हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज आपका फिर से मैं बोलूंगा स्वागत है हमारे नंबर सीरीज के वीडियो नंबर 2 में। तो यहां पर जो एक क्लास मैं आपकी ले रहा हूं, इसमें आप हम नंबर सीरीज के बेसिक पढ़ चुके थे कि कैसे आप अटेम्प्ट करिए। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 12 6 6, फिर है 9, फिर है 18, फिर है 45, देन है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर समझने की एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ 12, फिर 6, फिर 6, फिर 9, फिर 18, फिर 45। ये जो क्वेश्चन है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मार्क कर लें सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग IBPS PO के लिए और जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सब के लिए। बेसिकली क्या हम इसे डिफरेंस से कर ले सकते हैं? चलिए हम देखते हैं अपना बेसिक लगा के क्या ये डिफरेंस से सॉल्व होगा। 6 प्लस का, सॉरी माइनस का, यहाँ 0, यहाँ प्लस 3, देन प्लस 9, देन 27। अगर हम इसको जिस हिसाब से, जिस ऑर्डर में ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है कि सर यहाँ से 3 गुना हुआ, फिर 3 से 9 गुना हुआ, 9 से 3 गुना हुआ, 27 से कितना हो जाएगा आपका, फिर से 3 गुना बढ़ के 81 जुड़ जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर। हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं, ये वाले कंसेप्ट में आपका कंसेप्ट पहली स्टेप से मिलना चाहिए। क्या आपका पहली स्टेप से हो रहा है ये जो जीरो से चल रहा है? जीरो से तो चलो 3 हुआ, तो यहाँ से आपका जीरो से जो 3 हुआ ये 3 गुना थोड़े ना है। अगर यहाँ 1 होता, 1 से 3 होता तो उसका 3 गुना होता। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर ये चीज़ें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये डिफरेंस से तो नहीं हो रही, क्योंकि इसका डिफरेंस यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ 3 प्लस हो जा रहा है, फिर यहाँ 6 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर 18 प्लस हो जा रहा है। ये तो इरेगुलर वे में चल रहा है। तो हम क्या करें अब इसमें? तो आप एक बेसिक कंसेप्ट सोचिए कि पहले 12 से 6 हुआ तो ये 12 के हिसाब से कितना होता है? हाफ, 12 का हाफ 6 होता है, या मैं इसे लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 0.5। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 6 से क्या आया? 6 मतलब किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 का। पहले क्या हुआ? हाफ, तो हाफ को 0.5 लिखते हैं। अगर मैं 0.5 का या हाफ का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 6। फिर 6 में आपने 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6। अब 6 से कितना हुआ यहां पर? तो आप देखिए यहां पर मैंने 1.5 इसलिए लिखा है, 6 का 1 में करते तो 6 आता, मतलब 1 तो आएगा, ठीक है, 1 का गुणा कर। अब इसमें कितना बड़ा है? 6 से 9 हुआ है, मतलब 3 बड़ा है, और 6 का आधा कितना होता है? 3, मतलब 1 में मल्टीप्लाई करने पर 6 आता, उससे कितना एक्स्ट्रा? उससे हाफ और एक्स्ट्रा, मतलब 0.5 और बड़ा है यहाँ पर। तो 1.5 में गुणा करो 6 का तो कितना आता है? 9। और मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि 6 का आप 1.5 में गुणा कैसे करोगे, या किसी भी वैल्यू का जब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करो 1.5, 2.5, तो कैसे करो? पहले 6 का 1 में करोगे तो कितना आएगा? 6, चलो ठीक है। अब बचा कितना? 0.5, 0.5 मतलब हाफ, 6 का हाफ 3, 6 आ चुका था, 6 में 3 जोड़ो आप, कितना होगा? 9। अब यहाँ 9 का क्या आ रहा है? डबल दिख ही रहा है। तो एक्चुअली यहां तक पहुंचते पहुंचते एक कंसेप्ट तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जो इसमें मल्टीप्लाई में गैप चल रहा है वो कितने का चल रहा है? मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू कितनी हो रही है आपकी? प्लस 0.5, प्लस 0.5 आपकी यहां पर बढ़ रही है। तो अगले में किसका होगा फिर? 2.5 का। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो आपको आंसर निकालना था उसमें भी आपका कितना बढ़ेगा यहाँ? प्लस 0.5, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होगा? 3 का। 45 में 3 का करना है, प्रॉब्लम आ गई भाई, हमें नहीं बन रहा सर, कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 50 45 से कितना कम है? सिर्फ इतना आंसर दो मुझे, 50 45 से कितना कम है? 5। कितना कम है? 5। एक बार में 5 कम है, 3 बार में कितना कम होगा? 15। डिफरेंस का भी तो 3 गुना कम हो जाएगा, तो 50 का 3 में करो कितना आता है? 150। अब कितने का गैप था? 5 का, 5 में भी 3 का करो 15। अब 150 में से 15 घटाओ कितना आएगा? 135।
फाइव। तो ये बहुत तरीका है कि आप उसे क्या करो, सेपरेट करो, उसे बांट लो और फिर आसानी से कर लो, तो आपका पेन नहीं चलेगा। तो सीरीज का तो मेन फंडा यही है कि पेन जितना कम से कम चले, देख कर आंसर दो। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब 9 का 2 में करा 18, 18 का किस में करना था आपको, अब फिर दिक्कत आ गई, 18 का किस में करना था 2.5 में, 18 का 2 में करो कितना आता है 36, इतना तो कर सकते हो 36, अब किस में करना बाकी था 0.5 में, 18 का हाफ कितना होता है 9, बस 36 में 9 ऐड करो 45। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पॉइंट वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई आता है तो कैसे करना है, पहले 2 में कर दिया, लिख दी वैल्यू यहां जैसे 36 आ गया था, 18 का करना था जब, और फिर 18 का हाफ कितना होता है 9, ऐड करो कितना आया आपका 45। तो कैलकुलेशन भी इजी हो रहा है इसमें आपका, जितनी मेहनत कर सकते हो इस कंसेप्ट पे करो, आपको काफी कुछ आसानी से बनने लगेगा इसमें। तो मैं मिटाने के पहले आपको एक बार और बताऊंगा यहाँ पर इरेज करने के पहले कि 12 से 6 हुआ तो अंदाजा कैसे लगता है, एक बार हाफ हुआ, हाफ तो दिख रहा है ना, फिर उसके बराबर हुआ, वहां से आपका चेक करने का दिमाग में आता है कि अब इसके बाद क्या होगा, ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ओके इसके बाद क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है ना, देन यू विल कम टू नो कि कैसे इसे हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये भी जो टाइप बता रहा हूं मैं, इससे भी आईएमपी करके आप लिख लो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ना, तो इसमें थोड़ा सा हमें कंसेप्ट लगेगा, वो कंसेप्ट बहुत आसान है, बन गया तो फिर आप आसानी से कर ही लोगे। 111 से यहाँ पर कितना हुआ 113, चलो ठीक है, प्लस 2 का गैप आया, फिर कितने का गैप आ रहा है प्लस 3 का, डिफरेंस लिख दिया है मैंने, अब कितने का आया 7, चलो ठीक है, इसके बाद प्लस 11, आप डिफरेंस का डिफरेंस देख लो, 2 के बाद कितना है 3, 3 के बाद कितना, पहले 1 बढ़ा फिर 2 फिर 2 फिर 4, मतलब जो इंटरवल बढ़ रहे हैं वो भी इरेगुलर है, कांस्टेंट तो बढ़ नहीं रहा आप कुछ भी, तो आप अब इसमें क्या कर सकते हो, तो आपको पहले तो लिख लेना है, ये जो आपका मैंने टाइप बताया है ये है आपका टाइप बेस्ड ऑन प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या पे आधारित संख्या श्रृंखला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे कैसे समझोगे भाई, आपके जो प्राइम नंबर हैं, अगर मैं बताऊं प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से, जो सबसे लीस्ट आपका प्राइम नंबर है वो है 2, तो पहले क्या ऐड हुआ 2, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं है 11, जितने भी हैं ये सबके सब क्या है प्राइम नंबर, तो एक ऑर्डर में आपके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो इस सीरीज को आप कहोगे प्राइम नंबर सीरीज, और इसे कैसे पहचानोगे, जो भी डिफरेंस आपका आ रहा है वो प्राइम नंबर के ऑर्डर में होगा, क्लियर है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज भाई। ये देखिए आप, आपके सामने है आपकी नंबर सीरीज, अब फिर से हम मैं इसमें देखूंगा तो इसमें एक तो दिख रहा है हमको क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, -2 -5 -11 -17, तो यहां पर जो डिफरेंस है आपका, पहले 2 का हुआ फिर 5 का हुआ, 5 से 6 11 का हुआ और 11 से 17 का हुआ, अगर मैं इसमें आपका कंसेप्ट लगाना चाहूं, पहले कितना डिफरेंस बढ़ा भाई -2 से कितना हुआ, तो मतलब यहां पर -3 बढ़ा है, फिर यहां पर -6 और फिर यहां पर भी -6, क्या सेम ऑर्डर में बढ़ रहा है, नहीं यहां पर ऐसा नहीं है, तो ये डिफरेंस तो मैं कर नहीं सकता हूं। अब बात आती है जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन कौन से नंबर है, एक नंबर है आपका 2, 2 के बाद है आपका 5, 5 के बाद है आपका 11, 11 के बाद है आपका 17, तो मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपसे बोला था, आपको एक चीज बहुत ध्यान से याद रखनी, एक कंसेप्ट बहुत ध्यान से रखना, जो भी नंबर है चेक करो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर के आसपास है, दूसरा जो भी आप यहां पर कर रहे हो क्या वो एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, क्या वो प्राइम नंबर से सारे के सारे, तो यहां देखो 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, मैं आपके सामने प्राइम नंबर लिख दे रहा हूं, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअल प्राइम नंबर्स लिखे, तो आप देखो 2 माइनस हुआ है फिर 3 छोड़ के क्या हुआ आपका 5, फिर 5 के बाद 7 छोड़ के आपका क्या हुआ 11, मैं टिक लगाते जा रहा हूं,
13 छोड़ के आपका कितना ऐड हुआ 17, तो अब क्या छूटेगा 19 और आपका ऐड कितना होगा 23। अब यहाँ पर मैंने देखा तो प्लस 17, तो अगला क्या आपका माइनस होगा यहाँ पर माइनस 23। अब यहाँ पर माइनस 23 आपने किया जैसे ही, तो कितना आया 89। तो अगला नंबर क्या आएगा फ्रेंड्स, 89 आएगा यहाँ पर। तो बस यही कंसेप्ट है जो आपको काफी ध्यान में देने हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैं हर लेक्चर के एंड में आजकल आपको देने लगा हूं, तो आज फिर से मैं आपको दूंगा कुछ सीरीज करने के लिए, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं देता हूं आपको क्वेश्चंस। चलिए मैं ये वाला कार्ड देना सर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आज आपका होमवर्क क्या है। एक पहला क्वेश्चन आपका यह है 25, 25 के बाद है 12, 12 के बाद है 11.5, 11.5 जिसे हम कहते हैं, 11.5 के बाद है आपका 16.75, 16.75 के बाद मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है वो है 33, 33 के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, इसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मैं हर क्लास में उन्हीं पे बेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसी टाइप के दे रहा हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जिस बेस पे आज आपको टॉपिक समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। हम आपके रिप्लाइज का कमेंट्स का वेट करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबके आंसर सही निकलेंगे। तब तक के लिए आपसे बिल्कुल मैं अलविदा कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.